बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के सत्कार मूर्ति महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री, नागपुर जिले के पालक मंत्री और जिनको अम्बेडकराइट आंदोलन में एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, वो आदरणीय डॉक्टर नितिन राव, इनके सत्कार समारंभ में मंच पर बैठे हुए महानुभाव, विविध संगठन, सभी के नेतागण, प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, समय के तकाजे के कारण मैं तो लंबी बात नहीं रखूंगा, लेकिन ये सत्कार समारंभ है, ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है और इसीलिए सत्कार सभा में सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों से आज के सत्कार मूर्ति का अभिवादन करें। सवाल है, ये तालियों की आवाज क्या कहती है? ये तालियों क्यों बजती है? क्योंकि जब देश में चारों तरफ अंधेरा और अविश्वास और नफरत का माहौल हो, तब नितिन राउत जैसे दमदार आदमी की जरूरत है। इस बात की ये आवाज आपके तालियों से आती है। नितिन राउत जी जरूर उत्तर नागपुर के हैं, हमारे नागपुर के सुपुत्र हैं और इसलिए प्रबंधक साथियों ने बहुत जरूरत समझा कि नागपुर से पहली बार दो मंत्री इस महाराष्ट्र सरकार में है। गृह मंत्री के तौर पर अनिल देशमुख जी है, ऊर्जा मंत्री के तौर पर डॉक्टर नितिन राउत जी है और इसलिए दोनों मंत्रियों का सत्कार करना ये नागपुर वासियों का फर्ज है। नागपुर के लोगों ने किसी ने ये आइडिया सोची या नहीं सोची, लेकिन फुलेश्वर अंबेडकर विचार संवर्धन समिति के हमारे साथियों ने सोची, इसलिए उनका भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें। अनिल देशमुख जी यहां नहीं पहुंचे क्योंकि वो आज मुंबई में व्यस्त है, मीटिंग में रहे। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, कोशिश की है, लेकिन उनके गैर हाजिरी में भी, उनके भी सम्मान में, उनके भी सत्कार में एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका भी सत्कार इस समारोह मंच से करना चाहते हैं। कई लोग सोचते होंगे डॉक्टर मानस साहब नितिन राव जी के साथ कैसे बैठे। कई लोगों के मन में सवाल उठे होंगे, लेकिन दिन को देश दुनिया की हवा समझती है और हवा स्वार्थ की नहीं, हवा खतरे की, हवा निजी स्वार्थ की नहीं तो हवा संविधान के खतरे की, हवा प्रजातंत्र के खतरे की। जिनको ये खतरे का एहसास होता है उनको कहीं ना कहीं इकट्ठे आकर लड़ने की आज की जरूरत है, इस बात को ध्यान में रखकर। इसलिए हर कोई अलग है फिर भी यह इकट्ठा क्यों है, इसका कोई मतलब है और यह मतलब समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए गहरी सोच और विचार करने की अकल और ताकत होनी चाहिए। जिनके पास यह सोच और अकल है वही लोग इसका जवाब समझ पाएंगे, वरना निजी स्वार्थ और गंदी और निचली और छोटी राजनीति में वह उलझ कर रहेंगे। उनके समझ के बाहर की ये बातें हैं, उनको समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज डॉक्टर माने अकेला नहीं हूं, गुजरात का हमारा जिग्नेश मेवाली है, गुजरात का हमारा हार्दिक पटेल है और जिनको दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सरकार ने सहारनपुर के जेल में भी काफी साल तक रखा, जिनको हम रावण नाम के जानते हैं, चंद्रशेखर, हम सारे बेहतरीन क्लोज कनेक्टेड नितिन राउत जी से है। इतना ही नहीं तो दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के, ऑल इंडिया के कोने कोने से जो अंबेडकर विचारधारा के ऊपर, परिवर्तन के विचारधारा के ऊपर अपना विश्वास रखता है,
वो डॉक्टर नितिन राउत जी से कनेक्ट रहता है, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी महानता है। और इसीलिए मंत्री बनना एक नॉर्मल बात है, लेकिन रैलिंग बनना एक बड़ी बात है। और ये रैलिंग बनने की हैसियत से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फुलेश अंबेडकर की आवाज अगर बुलंद करनी है तो किसी न किसी को आगे करने की जरूरत है। जिनको भी आगे किया वो अगर कमजोर निकले हैं तो नए एक्सपेरिमेंट करना ये राजनीति की जरूरत होती है। और ये जिनको राजनीति की जरूरत समझती है वो लोग इस बात को समझकर आज महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी है, क्या किसी को लगता था कि ये सरकार बनेगी? काफी लोग डरे हैं, सहमे हैं, खौफ है कि एनआरसी के बाद क्या होगा, सीएए के बाद क्या होगा। शाहीन बाग पूरे देश में चली है, नागपुर में भी चली है। डॉक्टर राउत जी नागपुर के शाहीन बाग में जाकर भी अपनी आवाज वहां बुलंद करके आए हैं। बहुत से लोग डरते हैं, मैं भी परसों नागपुर के शाहीन बाग में जाकर आया हूं। हमारा मुस्लिम समाज का भाई बहुत परेशानी में है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना भाई, बाबा साहब के बंदे जब तक इस देश में जिंदा है किसी भी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही बंदों में बाबा साहब अंबेडकर का क्रांतिकारी संघर्ष कूट कूट के भरा है, चाहे उसका नाम डॉक्टर नितिन राउत हो या और कोई हो। और इसीलिए आज के सत्कार मूर्ति के लिए डॉक्टर नितिन राउत जी का सत्कार हमारे प्रबंधन साथियों ने आज के इस मीटिंग में आयोजित किया। फिर एक बार मैं लंबी चौड़ी तकरीर ना खींचते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी को तो स्पेस बनानी चाहिए, अवकाश होनी चाहिए, और वो कैपेसिटी डॉक्टर नितिन राउत जी में होने के कारण नागपुर के लोगों ने उनको सिर्फ उत्तर नागपुर तक सीमित ना रखते हुए कभी भारतवर्ष की बात भी सोचने का काम करना चाहिए, ऐसी आशा और अपेक्षा रखते हुए फिर एक बार इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।